नमस्कार दोस्तों, हॉकफीड न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है अमरनाथ यात्रा के बारे में। अमरनाथ यात्रा के लिए यात्रियों का, श्रद्धालुओं का पहला जत्था यात्रा पर निकल चुका है और इसी दौरान हिजबुल मुजाहिदीन नाम के आतंकी संगठन की तरफ से बहुत बड़ी खबर आ रही है। तो जम्मू कश्मीर के कुख्यात आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। हिजबुल की तरफ से जारी एक ऑडियो में कहा गया कि अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं पर हमला करना उनका मकसद नहीं है। वहीं राज्य में सेना के ऑपरेशन ऑल आउट पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर सेना का ऑपरेशन सफल रहा तो घाटी में एनएसजी कमांडो लाने का क्या मकसद है। इस ऑडियो टेप में सुनाई दे रही आवाज़ हिजबुल कमांडर रियाज नायकू की बताई जा रही है। बता दें कि पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रहे सीज फायर के उल्लंघन और कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाओं को देखकर अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को पहले से ज़्यादा चुस्त करने का फैसला किया गया है। पिछले साल के मुकाबले इस साल सुरक्षा बलों की संख्या में 17% का इजाफा किया गया है। साल 2017 में जहां 204 कंपनियां सेना की सुरक्षा में तैनात थीं, वहीं इस साल 238 कंपनियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। एसपी स्तर के अधिकारियों को अर्धसैनिक बलों की कंपनियों की अगुवाई की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ 1364 हेल्पलाइन नंबर 1364 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है जो लोगों की मदद करेगा। RFID कार्ड वहां के वाहनों पर लगाया जाएगा जिनसे वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करी जा सकेगी। जमीन के साथ ही आकाश से पूरी यात्रा के दौरान भी ड्रोन के द्वारा नजर रखी जाएगी। अमरनाथ यात्रा के संवेदनशील जगहों पर ड्रोन कैमरों से नजर रखने की तैयारी की जा रही है। दक्षिण कश्मीर में स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा की यात्रा इस साल 60 दिनों की होगी और यह यात्रा 28 जून से शुरू हुई है। पिछले साल यह यात्रा 40 दिन की थी। गौरतलब है कि जहां अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि 60 दिवसीय यात्रा हिंदू कैलेंडर के अनुसार 28 जून से ज्येष्ठ पूर्णिमा के शुभ मौके से शुरू होगी और अब तक की परंपरा के अनुसार श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन 26 अगस्त को समाप्त होगी। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल और SSB के अध्यक्ष NN वोहरा ने दिल्ली में आयोजित श्राइन बोर्ड की 34वीं बैठक में यह निर्णय लिया था। तो दोस्तों, यह बहुत बड़ी बात है कि हिजबुल मुजाहिदीन ये वो नाम है जिस आतंकी संगठन के नाम से ही दुनिया की रूह कांपती है और ऐसे में, परंतु आज नरेंद्र मोदी जी वो नाम बन चुके हैं जिसके नाम से हिजबुल मुजाहिदीन भी कांपता है। आज ये हालत है कि हिजबुल मुजाहिदीन भी बम बम बोले कर रहा है और कह रहा है कि अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी होगी और अमरनाथ यात्रियों के ऊपर कोई भी आँच वो आने नहीं देंगे। तो इसका क्या कारण है? सीधी सीधी बात है कि आज मोदी से केवल आतंकियों की नहीं, पूरी दुनिया भर के बड़े बड़े संगठनों की भी आज हालत ख़राब है। लोग डर रहे हैं, बड़े बड़े आतंकी संगठन उनके नाम से ही, मोदी जी के नाम से ही कांपते हैं, इसलिए आज वो भी बम बम भोले कर रहे हैं। कह रहे हैं भगवान शिव के इस पावन यात्रा में हर कीमत की सुरक्षा हिजबुल मुजाहिदीन कह रहे हैं कि वो प्रोवाइड कराएंगे और वो बोल रहे हैं कि उनको किसी भी प्रकार की आँच अमरनाथ यात्रियों पर हिजबुल मुजाहिदीन नहीं आने देगा। तो इसका बहुत बड़ा अर्थ निकल रहा है कि आज भारत में मोदी जी के द्वारा जो उन्होंने एक स्ट्रिक्ट रवैया अपनाया है आतंकवाद के विरुद्ध, उसे लेकर आज पूरे दुनिया के दहशतगर्द संगठनों में अच्छी खासी दहशत छाई है। जो दहशत फैलाते थे आज वो दहशत में है। ये सीधा सीधा इस बात का नमूना है। दोस्तों, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बड़ी बात है कि हिजबुल मुजाहिदीन कह रहा है कि वो किसी भी तरीके का हमला नहीं करेंगे और भगवान शिव की यात्रा पर निकले यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा हिजबुल मुजाहिदीन नहीं होने देगा। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये खबर कांग्रेसियों के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देशभक्ति और हिंदुत्व से संबंधित हर बड़ी छोटी खबर आप तक पहुंचेगी जब आप लाल बटन सब्सक्राइब करेंगे और साथ में जो बेल आइकन यानी कि घंटी का निशान है उसे ज़रूर प्रेस करें। आप तक हर खबर पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। और दोस्तों, कॉमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो बम बम भोले कमेंट में जरूर लिखें, जय भोलेनाथ जरूर लिखें। और दोस्तों, हिजबुल मुजाहिदीन की आज मोदी के कारण जो दहशत, जो हिजबुल मुजाहिदीन के मन में जो मोदी की दहशत बैठ चुकी है उसके बारे में आपकी क्या राय है वो भी लिखें कि मोदी जी के कारण ही आज ये संभव हो पाया है कि हिजबुल मुजाहिदीन जो कल तक अमरनाथ यात्रियों को मारने के सपने देखता था, आज वही हिजबुल मुजाहिदीन अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने की बात कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा कदम है दोस्तों। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर हिंदुस्तानी तक ये खबर पहुंचनी चाहिए और हर अमरनाथ यात्री को इस बात का गर्व होना चाहिए कि आज भारत में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिसमें आज ऐसी सुरक्षा देशवासियों को मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका इस वीडियो को देखने का। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जय भोलेनाथ कमेंट में जरूर लिखें। जय हिंद।